है। इस क्वेश्चन में दीदी बताओ क्या है बेटा बात करें। क्वेश्चन इतना सा है कि एक गुड़िया बात करे, कोई हमारे पास बेटा बात करे कौन है, साइकिलिस्ट है, या कोई गुड़िया बात करे पर्सन है, ठीक है, और गुड़िया बात करे ठीक है, या मोटरिस्ट है, मोटर गाड़ी चलाने वाला है। वो गुड़िया बात करे, माना कि एक पॉइंट ए से चल रहा है, चलता है गुड़िया बात करे 500 मीटर चलता है भाई साहब। 500 मीटर चलने के बाद दीदी बात कर, जैसे ने 500 मीटर चला रुकते हैं, अब ये आगे नहीं जा रहा है, अब ये कहाँ नहीं जा रहा बेटू बात करे, आगे नहीं जा रहा है। गुड़िया बात करें, ये गुड़िया बात क्या पता है, अगर मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूं इसमें, तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, राइट जाना होता तो मैं ऐसे घूमता, लेफ्ट जाना तो ऐसे घूमूंगा। किससे डिग्री गुड़िया बात करें, 60 डिग्री से। 60 डिग्री का मतलब पता है गुड़िया बात करें, ऐसे घूम जाऊंगा। ये कितना है बताओ बेटा बात करें, 60 डिग्री। मेजर कहां से करोगे गुड़िया बात करें, उसी एक्स एक्स की, उसी एक्स से तो आप 60 डिग्री घूमे हो, 60 डिग्री। मैं गुड़िया बात करें पता है करीब यहां तक पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद गुड़िया बात के फिर से कितना चला, 500 मीटर चला। ये मेरे गुड़े ए पॉइंट था, ये कौन सा है, बी पॉइंट है, ये कौन सा बेटा बात करें, सी पॉइंट है, ठीक है। पहला टर्न जब मैंने लिया, दूसरा दीदी बात करें यहां पे टर्न लूंगा मैं। अब मैं गुड़े बात करें पता है कहां नहीं जाऊंगा बेटा बात करें, सीधे नहीं जाऊंगा। 500 मीटर चलने के बाद मुझे कहां घूमना है बेटा बात करें, लेफ्ट टर्न पे गुड़े बात करें घूमना है, तो ये घूमा। गुड़े बात करें फिर कितना चला बेटा बात करें, 500 मीटर चला। 500 मीटर चलने के बाद दीदी बात करें यहां फिर रुका। अब उनको पता है बेटा बात करें, अगर मुझे घूमना ना होता तो मैं इसी पाथ पे जाता कि नहीं जाता, लेकिन मुझे इस पाथ से गुड़े बात करें कहां घूमना है, लेफ्ट पे, तो इसका मतलब गुड़े बात करें अब मुझे लेफ्ट पे घूम के फिर कहां चलना है बताओ बेटा बात करें, 500 मीटर ट्रेवल करना है। कुछ नहीं लग रहा, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसा बन रहा है, बेंजीन ही है ये, कैसा दीदी, बेंजीन, क्योंकि तुम 60-60 डिग्री से मुझे घुमा रहे हो, तो 6 बार घुमाने के बाद मुझे ओरिजिन पॉइंट पहुंच जाना है। टोटल सर्कल का बेटा बात करें बताओ सर्कमफेरेंस कितना है, 360 डिग्री। एक बार तुमने 60 घुमाया, दूसरी बार बेटा बात करें फिर कितना घुमाया दीदी, 60 डिग्री से फिर घुमाया, फिर अगली बार फिर कितना घुमा दिया, 60 डिग्री से फिर घुमा दिया, ठीक है। अगली बार गुड़े बात कर, जैसे मैं 500 मीटर पे यहां पहुंचा, रुको आपको सीधे नहीं जाना है, फिर कहां जाना है, लेफ्ट में घूमो। तो अगर मैं ऐसे जा रहा था तो ये मेरा लेफ्ट है, मोटरसाइकिल वाला या मोटर बाइक वाला, ठीक है, तो राइट में नहीं घूमना है, लेफ्ट में घूम जाओ। तो गुड़े बात करें इस एक्सेस से कहां घूमना है, गुड़े बात करें कितने डिग्री पर बेटा बात करें, 60 डिग्री पर। देख लो आप, मैं लेफ्ट में घूम रहा हूं, आप अपने आप को यहां पर रख लो, इस रोड पर चलते हुए आप यहां पहुंच गए, ठीक है। गुड़े बात करें कितनी दूरी चले बेटा बात करें, 500 मीटर। गुड़े बात करें 500 मीटर रुकने के बाद, अभी रुक जाओ, अब आपको सीधे नहीं जाना है, अगर मुझे घूमना ना होता तो मैं इसी रास्ते पे आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता, इसी रास्ते पे बेटा बात कर आगे बढ़ता। मतलब दीदी फिजिक्स है ही नहीं ये, केवल गुड़े बात करें कॉमन बेसिक का, गुड़े बात का आईक्यू का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा आईक्यू ठीक बैठता है आप इस क्वेश्चन बिना पढ़े समझा कर लोगे, ठीक है। अब अभी यहां बेटा बात कर रुक जाओ, यहां रुकने के बाद गुड़े बात कैसे नहीं जाना है, फिर घूमो 60 डिग्री पर कहां से, मैं ऐसे जा रहा तो मुझे लेफ्ट में घूमना है, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में घूमना है। तो गुड़े बात कर जैसे ही मैं गुड़े बात कर चलूंगा बेटा बात कर, मैं कहां पहुंचूंगा, इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया 500 मीटर ट्रेवल करके, क्योंकि मैं लेफ्ट में घूमा था। कैसे घूमा था बेटा बात करें, लेफ्ट में घूमा था, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। उठा दो बेटा बात कर, देखो जहां से दीदी बात कर चला वहीं आया, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो कितने पर आ चुका बताओ बेटा बात करें। और यहां पता है गुड़े बात करें वही कंडीशन आ गई ना, फिर से क्या आ गया, सीधे नहीं जाना है, फिर उनको फिर घूमना, अगर आगे घूमना है 60 डिग्री पे घूमना है। तो काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, भाई साहब तीसरे टर्न पे आपके द्वारा चली गई दूरी और आपके द्वारा चलाए गए डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या सेम है। गुड़े बात कर, आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है केवल स्ट्रेट लाइन पर, और दीदी कहीं नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हो। आपसे हमेशा कहा था बेटा बात कर, पहले दिन ही अपन मिलते हैं तब भी गुड़े फिजिक्स में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट गुड़े ऑलवेज क्या बेटा बात करें, लेसर और गुड़े बात कर इक्वल टू किसके, डिस्टेंस, और डिस्टेंस गुड़े ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू बेटा बात करें क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी डिस्टेंस या तो ज्यादा ही होगी। गुड़े बात करें पहले क्वेश्चन दे रहा, बताओ मुझे गुड़े थर्ड टर्न पे किस पे चाहिए था, थर्ड टर्न, गुड़े बात करें थर्ड टर्न पर मेरे द्वारा चला गया बेटा बात करें क्या, डिस्प्लेसमेंट और बेटा बात करें क्या गुरु, डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट और क्या है गुड़े बात करें, डिस्टेंस, बताओ कितनी दूरी की। अच्छा डिस्टेंस तो बड़ी प्यारी लगी सर मुझे थर्ड टर्न पर, थर्ड टर्न पर क्यों,
जैसे मैं यहां से चला, आपने कहा ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, हाँ ठीक है, ये मेरा दीदी बात करके है इनिशियल पॉइंट है, यहां से मैं चला 500 मीटर, पहला टर्न मिला, कौन सा टर्न है ये, फर्स्ट टर्न, फिर दीदी बात कर यहां गया, यहां फिर घूमा मैं, कौन सा टर्न है ये, सेकंड टर्न, फिर यहां से दीदी फिर घूम गया, कौन सा टर्न है ये, थर्ड टर्न, फिर कौन सा है ये, फोर्थ टर्न, कौन सा है ये, फिफ्थ टर्न, अगर दीदी आगे भी गया तो मुझे यही पॉइंट पर आना, तो कौन सा टर्न है ये, सिक्स्थ टर्न, फिर ये कौन सा टर्न है, सेवंथ टर्न, कौन सा टर्न है ये, एट्थ टर्न, कौन सा टर्न है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आया, देख लो आराम से, कोई तकलीफ है तो बताओ। अच्छा गुरु, उसने बोला थर्ड टर्न पे बताओ टोटल आपके द्वारा चली गई दूरी, दूरी 500 500 500, अब गुड़े दूरी क्या बोलते हैं, एक्चुअल दीदी बात कर, लेंथ गुड़े बात कर ऑफ ट्रेवल पाथ, एक्चुअल लेंथ, वास्तविक दीदी बात कर पथ की लंबाई, को अपन क्या बोलते बेटे बात कर, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कितना आएगा बताओ गुड़े बात कर, थर्ड टर्न पे मैं ए बी बढ़ा, फिर मैं बी बी सी रस्ते पर गया, फिर मैं सी डी रस्ते पर गया, और मैं दीदी मतलब ए बी सी डी ई और बेटा बात कर क्या है एफ, ठीक है ये आ गया, तो बुढ़े बताओ कितना हो गया, 500 प्लस 500 प्लस कितना हो गया भाई साहब, टोटल हो गया दोस्त 1500 मीटर चला, अगर मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दीदी बात कर, आपको पता है फाइनल इनिशियल के बीच की दूरी, तो ये गुड़िया बात कर आपको पता है फाइनल इनिशियल, पर आपको पता है गुड़िया, आप किसी भी गुड़िया बात कर कोने से किसी भी कोने की तरफ जाओ, अपोजिट कोने की तरफ गुड़िया बात कर, आप कहां से जाओगे, सेंटर से, कहां से जाना पड़ेगा, ये बेटा बात कर सेंटर, आप इस कोने से इस कोने चले जाओ, कहां से जाओगे, सेंटर से, आप इस कोने से इस कोने चले जाओ, क्या है सेंटर से, ये जस्ट अपोजिट कॉर्नर है गुड़े बात कर, क्या रेगुलर हेक्सागोनल का, रेगुलर हेक्सागोनल है ये, मतलब गुड़े बात का इसी पाथ में बढ़ते ही रहो, ये बेंजीन है, अगर दो अपोजिट बेटा बात करे कॉर्नर को जाओगे तो आप सेंटर से ही जाओगे, और आपको पता है मैडम सेंटर से गुड़े बात करे किसी भी कोने को अगर मिलाएं तो गुड़े बात के आपको पता है कैसा बनेगा बेटा बात करें, ये बनेगा दीदी बात करें क्या, जल्दी बताओ, एग्जैक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में दीदी बात करें एंगल कितने होते बेटे बात करें, सभी समान होते, 60 डिग्री है, अगर सभी एंगल एक जैसे हैं तो आपको इतना समझ में आता है बेटे बात करें कि उनकी दूरी भी क्या है एक जैसी है, ये भी गुड़े बात करें, देखो तो सही में तीन बार बना चुका, आए समझ में, अगर ये बेटे बात करें कितना है 60, तो ये भी कितना है 60 और ये भी कितना है 60, ये तो समझ में आता है ना, अगर गुड़े बात करें किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर गुड़े किसी एंगल के सारे एंगल सिमिलर है तो उनकी गुड़े बात करें लेटरल भी जो उनकी जो गुड़े एक्सेस होती है वो भी क्या होती है सिमिलर होती है, तो अगर ये 500 तो ये भी कितनी है और ये भी कितनी है, तो बताओ बेटा बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपको 1000, कितना हुआ 1000, समझ में आ रही है, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 500 और यहां से यहां कितना दीदी बताओ 500, तो टोटल कितना आ गया मैडम, बिल्कुल 500 500, कितना आ गया भाई साहब 1000, मतलब ए ओ डी, तो ए ओ डी गुड़े बात के मेरा क्या था डिस्प्लेसमेंट था जिसकी दीदी बात कर टोटल लेंथ कितनी आई 1000 बेटा बात कर क्या मीटर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है गुड़े बात कर वो सिक्स टर्न के लिए है, कोई तकलीफ नहीं है सिक्स टर्न के लिए, अब इस सिक्स टर्न के लिए पूछे तो बताओ भाई साहब यही तो सिक्स टर्न है, आप लिख रहे सिक्स टर्न, यही था मेरा फर्स्ट टर्न, यही से चला था, नहीं सॉरी ये दीदी बात का फर्स्ट टर्न था, यहां से चले थे आप, फर्स्ट टर्न सेकंड टर्न थर्ड टर्न फोर्थ टर्न फिफ्थ टर्न सिक्स्थ टर्न, जहां से चले वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, तो सिक्स टर्न में गुड़िया बात करें अगर अपन देखें कि जो बेटा बात कर डिस्प्लेसमेंट है क्या है डिस्प्लेसमेंट वो कितना आ रहा भाई साहब वो आ रहा है जीरो, और गुड़िया बात करें जीरो मीटर, और डिस्टेंस कितनी है 3000, डिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा बात करें टोटल डिस्टेंस जो गुड़िया बात कर रहे हैं वो टोटल आ रही कितनी बेटा बात करें 500 500 500 500 500 500, टोटल दीदी बात करें ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ और एफ ए, टोटल कितना रहा बेटा बात करें, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो 6 × 500 का, तो क्योंकि 6 बार आ रहा है 500 500, सीधा अपन ने बोला क्या गुड़िया बात करें बिल्कुल 3000 गुड़िया बात करें मीटर ट्रेवल हुआ। अगला क्वेश्चन कौन सा बताओ बेटा बात करें, एट्थ गुड़िया बात करें टर्न के लिए चाहिए था, एट टर्न, घूम तो आप इसी पर है ना रेगुलर हेक्सागोनल पर, इसी पाथ पे आप घूम रहे हैं, तो दीदी बात करें मतलब यहां से यहां गया यहां गया यहां गया यहां गया यहां गया गया यहां गया यहां गया, ये मेरे एट टर्न है, एट टर्न में टोटल डिस्टेंस कितनी चली भाई साहब 500 500 500 500 500 500 500, बिल्कुल 4000 कितना चला, तो गुड़े बात करें एट टर्न में जो गुड़े डिस्टेंस है डिस्टेंस कितनी आ रही 4000 फोर, बेकूफ है क्या
4000 बुढ़े बात करें क्या मीटर डिस्टेंस तुम्हारा बैठ सकता है सैम, पर डिस्प्लेसमेंट दी इतने जी नहीं बैठेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आएगा बुढ़े, यहां से यहां तक, क्योंकि मैं दीदी यहां से चला और यहां मैं रुका, ये मेरा फाइनल है 8th टर्न के लिए, तो यहां से मुझे यहां जाना है। बताओ दीदी बात कर, आराम से बता सकते हैं। यहां से गुड़े बात कर रहे हैं, अगर मैं जा रहा हूं और बेटा यहां रुक रहा हूं, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो गुड़े बात कर दूरी है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, फिर अपन को पता है दो वेक्टर में गुड़े बात कर, एक वेक्टर ये मैडम, दूसरा वेक्टर मैडम ये है, ठीक है, और थर्ड वेक्टर आपने ये बनाया आप। लेकिन गुड़े बात कर पता है, जब भी जैसे अपन ने बोला बेटा बात कर ये क्या है हमारे पास, जल्दी बताओ बेटा बात कर, अगर मुझे ये निकालना है, ये निकालना है गुड़े बात कर, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। अगर मुझे कभी गुड़े बात के इस डिस्टेंस को निकालना है, तो ये कौन सी है ए बी, ये कौन सी है बी सी, और ये कौन सी बेटा ए सी, समझ पा रहे एग्जैक्ट। तो ये कौन बन चुका है गुड़े बात करें, एंगल इक्वल्स टू एंगल गुड़े बात कर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या परपेंडिकुलर, तो गुड़े बात करें क्या लगेगा बिल्कुल बताओ जल्दी, 90 डिग्री है क्या रे, पता अभी ये कौन सा एंगल लेते हो तुम, अच्छा नहीं है, वेरी गुड, तो चलो बताओ तुम, तो ये बताओ मुझे कि मैं क्या करूं, मुझे तुमसे ही चाहिए वेक्टर लो, अब बताओ क्या करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया आपने, याद है रिजल्टेंट वेक्टर है ये, कौन ये, इसको रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, अगर इस वेक्टर को दीदी बात करें मैं उठा के यहां लाऊं, क्योंकि एंगल कहां मापते हो आप, जिन दो मुझे रिजल्टेंट पता करना है, लेकिन गुड़े बात करें एक वेक्टर मेरे पास ये है बेटा, और दूसरा वेक्टर कौन सा है ये है, तो इस वेक्टर को अगर मैं दीदी बात कर यहां लाऊं, तो आप ऐसे बनाओगे करीब ऐसे, समझ पा रहे, और इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो दीदी ये है, ये तो रिजल्टेंट का है, ये एंगल है, और ये एंगल कितना है, इसलिए कभी अगर इनके बीच का एंगल आपको चाहिए, तो मेरे भाई आपको पूरे टेल से टेल एंगल वेक्टर के अंदर कौन सा एंगल मेजरेबल होता है, टेल टू टेल, हेड टू हेड, या तो हेड से हेड हो, क्या ये एंगल अपन लेंगे यहां पर, नहीं लेंगे, क्यों, ये दीदी बात कर फर्स्ट वेक्टर का हेड है, देखो ये इसका टेल था और ये क्या था इसका हेड, और सेकंड वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, इसका टेल इसका हेड, ये वाला वेक्टर का जो एंगल है ये मान्य नहीं है, मुझे चाहिए टेल टू टेल या हेड टू हेड, या तो तुम ऐसा करो इस वेक्टर को आगे खसका दो, तो अगर ये वेक्टर दीदी आगे खसक गया, तो इसका बेटा यहां आ जाएगा टेल और यहां पहुंच जाएगा हेड, अब बताओ ये एंगल कितना आ रहा है, उतना ही नहीं आ रहा जितना ये होता ही, तो ये एंगल कौन सा चाहिए मुझे, जो दो वेक्टर हैं जिनसे अपन गुड़े बात कर रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, उन दो वेक्टर के टेल टू टेल या बेटा बात कर हेड टू हेड, आगे गुड़े बात कर इजीली, तो मुझे पता बेटा ये कितना एंगल आ रहा है, ये 60 तो है, उठा के देखो अगर इस वेक्टर को मैं आगे निकाल दूं तो कितना एंगल आ रहा है भाई साहब, 60 डिग्री, कितने आ रहा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब गुड़े बात करें कंडीशन ये है कि जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल मुझे चाहिए, और जो ये एंगल है वही तो ये एंगल है, जैसे तुम इसको आगे खिसका रहा है वैसे उसको उठा के इधर ले आया, तो इधर दिखने पर क्या, और जब ये वेक्टर आगे खिसक जाएगा तो इसका हेड पहुंच जाएगा इधर, टेल आ जाएगा इधर, टेल टू टेल, या इस वेक्टर को उठा के दीदी यहां रख दो, इसी डायरेक्शन में उठा के रखना है, तो भी तो क्या रहा है टेल टू टेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे हेड टू हेड चाहिए, इस वेक्टर को नीचे लाओ, लाते गए तो यहां जाएगा क्या हेड, और नीचे पहुंच जाएगी टेल, अभी कितना आ रहा है 60 ही तो है, अगर ये 60 है तो ये भी कितना है, समझ पा रहे बुढ़े बात करें, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है बेटा बात करें, अगर मुझे ये निकालना है, पहला वेक्टर बनाओ ए बी कितना था 500 ए बी, दूसरा कौन था बेटा बेटा बात करें गोलू, ये दूसरा वेक्टर था कौन सा बी सी, ये था गुड़े बात करें ए और ये था बी पॉइंट, तो ये भी था 500 बी और सी, ये भी कितना है गुरु 500 गुड़े बात करें, ये मुझे पता करना है, तो रुजित रिजल्टेंट अगर पता करना है तो उसको दी रिजल्टेंट बनाओगी तो सही, मतलब इस वेक्टर को उठा के यहां ले आओ, तो अगर आप इसको लाते हो वेक्टर दीदी बात में थोड़े से रूल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ये गुड़े बात करें यहां पे आगे, अब बताओ ये कौन सा है, अगर ये बीसी है तो इसका मतलब भाई साहब ये भी बीसी ही है, समझ पा रहे हो, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा बात करें, ये है गुड़े बात करें कितना 60 डिग्री, ठीक है, अब मुझे अगर रिजल्टेंट पता करना है, एक वेक्टर 500 दूसरा वेक्टर ये जो 500 वही तो है, ये 500 कितना आ गया बताओ बेटा, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना आपको, बताओ जरा गुड़े बात करें, ए सी जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट गुड़े बात करें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस टू, अरे अभी कहां का टू गुड़े बात करें ए बी
इंटू बी सी, बुरे बात करें इंटू कॉस, बेटा बात करें 60, कॉस 60 वही है ना, फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड फोर्स प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, समझ पा रहे हो, बुरे बात करें आज आराम से आ गया। ए बी कितना था मैडम, ए बी था बुरे बात करें कितना 500, बी सी कितना 500 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना था 500, तो 500 का। अच्छा दीदी एक चीज और है, अगर दो वेक्टर सिमिलर हो तो अब इतना सब कुछ मत मारो, वो छोटा सा फॉर्मूला लगाओ 2f cos थीटा बाई 2, क्या था, इतना करोगे तो बहुत तकलीफ, इससे भी वही आंसर आएगा, लेकिन अगर अपन छोटा सा लगाए ना गुड़े बात करें, क्या बताओ बेटा बात करें, ac इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला था वो याद है, 2f cos थीटा बाई 2 गुड़े बात करें। अब यहाँ f की जगह कौन है, लेंथ है बेटा, तो लेंथ दोनों बराबर है, तो अपन क्या करेंगे 2 इंटू कोई भी एक लेंथ, क्योंकि ए बी बराबर क्या है बी सी, 500 गुड़े बात करें, तो अपन ने क्या लिख दिया बेटा बात करें 2 गुड़े बात करें ए बी, ए बी की लेंथ, फिर क्या किया कॉस, दीदी बात करें क्या थीटा कितना था, थीटा बाई 2 कर देंगे गुड़े बात के, अभी अपन क्या कर दिया 2 इंटू 500 इंटू गुड़े बात करें कॉस थीटा बाई कितना, थीटा कितना था 60 बाई 2, 2 इंटू 500 कितना किया 1000 इंटू गुड़े बात करें कॉस थीटा कितना था कॉस 30, थीटा बाई 2 मतलब क्या है कॉस 30, और कॉस 30 कितना बेटा कॉस 30 शाबाश, कितना होता दीदी √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, √3/2 गुड़े बात करें, √3/2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 500 गुड़े बात करें, टोटल कितना आ गया बेटा बात करें 500 इंटू √3, √3 की वैल्यू 1.71 गुड़े बात करें, कितना आ गया 500 का, दीदी बात करें दो पॉइंट को उड़ाना है, दो जीरो कैंसिल करना है, पांच का मल्टीप्लाई करो, पांच एकम पांच, पांच सत्ते 35 की पांच, हासिल आई 3, पांच 3 8 गुड़े बात करें 55 मीटर करीब ट्रेवल किया होगा इसने गुड़े बात करें, समझ पा रहे, आप आंसर मिला लो गुड़े बात कर, आपके आंसर ये हो, क्लियर है कि नहीं। तो दोस्त अगर आपको निकालना है कभी गुड़े बात कर, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्योंकि ये क्वेश्चन दीदी पहले AIPMT का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था, ठीक है, और क्वेश्चन में आपने देखा कुछ किया ही नहीं, थोड़ा सा बस वेक्टर लग रहा होगा कहीं कहीं पर, वो अपन को करना है गुड़े बात कर। हाँ इतना जरूर याद रखना टर्न कहां पे देखें, यहीं से चली, यहां टर्न नहीं, अभी तो मैं खड़ा हूं, क्या का टर्न है, अब मैं आगे बढ़ा 500, फिर मैंने पहला टर्न लिया, वो मेरा पहला टर्न है, तो पहले टर्न तक कितनी दूरी ट्रेवल की मैंने 500, फिर दूसरे टर्न तक कितनी ट्रेवल की 1000, अगर कोई पूछे फर्स्ट टर्न तक कितनी दूरी ट्रेवल की, फर्स्ट टर्न पर मैंने 500 चल चुका, तो फर्स्ट टर्न से दीदी मैं टर्न लिया फिर 500 और चला, तो सेकंड टर्न पे कितनी दूरी चल चुके, सेकंड टर्न पे जब पहुंचा तो मैं 1000 चल चुका, थर्ड टर्न पे और फोर्थ टर्न पे, समझ पाए, जोड़ते जाओ, क्वेश्चन सिंपल है कि टफ है, समझ पा रहे, नोट करो इसको फटाफट, फटाफट बेटा बात करें, ठीक है, आज के लिए इतना।